इसी साल जून महीने में हाईकोर्ट ने तिरुवनंतपुरम में श्री सरकारा देवी मंदिर परिसर में हथियारों की कथित ट्रेनिंग को लेकर आरएसएस के लोगों को नोटिस जारी किया था। श्रद्धालुओं और मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि आरएसएस के लोग मंदिर परिसर में हथियारों की ट्रेनिंग लेते हैं, मास ड्रिल करते हैं, जिससे मंदिर के भक्तों को और तीर्थयात्रियों को, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। और अब केरल के हाईकोर्ट ने कहा है कि तिरुवनंतपुरम जिले में सरकारा देवी मंदिर के परिसर में किसी भी सामूहिक अभ्यास यानी मास ड्रिल या हथियारों की ट्रेनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनडीटीवी की खबर के अनुसार आरएसएस और उसके सदस्यों द्वारा मंदिर के भीतर मंदिर परिसर का अवैध उपयोग और अनधिकृत कब्जा रोकने वाली याचिका की सुनवाई ये बात सामने आई और हाई कोर्ट ने आरएसएस द्वारा हथियारों की ट्रेनिंग देने पर बैन लगा दिया मंदिर परिसर में। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी तस्वीरें और वीडियोस वायरल होती हैं जहां पर यह आरोप लगाया जाता है कि आरएसएस के लोग छोटे बच्चों से लेकर नौजवानों तक को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं।